नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरण और लोनावला की ताजा तरीन खबरें। लोगों को घर खरीदने के सपनों को ध्यान में रखते हुए द मेकर्स के माध्यम से नवी मुंबई वासी इनॉर्बिट मॉल में दो दिवसीय रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन रखा गया है, जिसमें नवी मुंबई के मशहूर बिल्डरों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। घर खरीदने के सपनों को पूरा करने के लिए आपकी बजट में। पहले दिन मुख्य रूप से शामिल रही नगर सेविका दिव्या गायकवाड़, समाज सेवक वैभव गायकवाड़ के हाथों उद्घाटन करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। इसी विषय की अधिक जानकारी देते हुए द मेकर्स की डायरेक्टर पायल अरोड़ा पृथ्वीराज हिंगड़े ने अपनी राय नवी मुंबई आवाज साथ व्यक्त किया है। ये जो रियल एस्टेट एक्सपो है नवी मुंबई रियल एस्टेट एक्सपो, ये फेब 23rd एंड 24th को इनॉर्बिट मॉल में हो रहा है, जिसमें नवी मुंबई के बड़े से बड़े बिल्डर्स को भी पार्टिसिपेट किया है। जैसे आप देख सकते हो ट्राई सिटी, कामधेनु, बालाजी सिम्फनी, मुक्ता रेसिडेंसी, वेलविशर ग्रुप, उस सभी के पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। तो नवी मुंबई के लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दो दिन इनऑर्बिट मॉल में विजिट कीजिए एंड अपना मनपसंद घर चुनिए। यहाँ पे 9 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, तो जिस भी प्रोजेक्ट में आपको इंटरेस्ट होगा आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन्वेस्ट करने का, कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि किस चीज़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे विजिट कीजिए, ये 2 दिन के लिए इवेंट चल रहा है। ये हमने दूसरी बार इनॉर्बिट में रखा है, लास्ट ईयर हमने अक्टूबर में दिवाली के टाइम पे रखा था नवी मुंबई रियल एस्टेट एक्सपो, और अभी ये हो रहा है इन द मंथ ऑफ फेब। बस यही मकसद है कि लोगों तक अच्छे ऑफर्स, अच्छे प्लान्स पहुँचे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के, जो नवी मुंबई इतना आज के डेट में इतना एक्सपैंड हो रहा है, उन पे तलोजा, अलग अलग जगहों पे खपोली साइड में भी अच्छी डेवलपमेंट जा रही है। उसी के लिए बस एक ये प्लेटफॉर्म है कि लोग आए यहाँ पर एक ही जगह पर, उनको सारे ऑप्शन दिखे और उसके बाद वो डिसाइड करें कि उनको कौन सा बेटर है उनके ऑफर्स के लिए। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे प्राइसिंग अफोर्डेबल होम सेगमेंट भी रखा है हमने, जिसमें 9 लाख से चालू हो रहे हैं सारे घर के। आज के डेट में 9 लाख बहुत बड़ी बात है, एकदम छोटा अमाउंट है, तो उसमें लोग आकर अपना घर, अपने सपनों का घर का सपना साकार करें। अभी मुंबई लोगों के लिए बस यही बोलना चाहूँगी कि ये 2 दिन का एग्जीबिशन है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर्स आए हैं, कामधेनु, ट्राई सिटी, बालाजी सिम्फनी, वेंकटेश्वर जैसे और भी ग्रुप्स हैं, अपने अपने ऑफ
ऑफर्स लेकर आए, इन दो दिनों में अगर वो आके बुक करते हैं या देखते भी हैं तो ना अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छे रेट्स में उनको फायदा होगा। वही जगह आए हुए मानरों ने भी घर प्रदर्शनी की सराहना की है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव द मेकर्स कंपनी जो है जैसे एग्जीबिशन हेल्ड करती है, जो लोग शॉपिंग को आते हैं, और इनऑर्बिट मॉल एक मैक्सिमम फुटफॉल वाला मॉल है और यहाँ पे मतलब छोटे स्टॉल हैं लेकिन जो लोगों की नीड है आजकल, लोगों को लो बजट और मास हाउसिंग में इंटरेस्ट है, वो 2-3 करोड़ वाले लोग जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाते, इसलिए जो यहाँ पे रेंजिंग जो मैंने देखा है 20 लाख से लेके 40 लाख 60 लाख में इजीली अफोर्डेबल घर उन्होंने डिस्प्ले पर रखे हुए हैं। ये खारघर, पनवेल और जो तलोजा है अपकमिंग, यहाँ पे भी ये सब अवेलेबल है। और मैं सभी पार्टिसिपेंट को जो बिल्डर्स एसोसिएशन से हैं उनको ऑन द बेस्ट बोलता हूँ कि, और अपेक्षा करता हूँ कि मैक्सिमम फुटफॉल यहाँ पे हो और लोगों के लिए उनका जो ड्रीम होम है यहाँ से वो सिलेक्ट करें। 3 दिन का एग्जीबिशन है, मैं आपकी तरफ से सबको कहना चाहूँगा कि आप आइए और अपने मनपसंद घर यहाँ से बुक करके ले लीजिए। सबसे पहले मैं जो हमारे पुत्री सर हैं उनका मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे बुलाया, मुझे एक मौका दिया, और ये अच्छा इनिशिएटिव है और ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो पुत्री सर हैं ये हमेशा ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी आज जो एग्जीबिशन रखा है उन्होंने प्रॉपर्टी सेल्स के बारे में, मैं जिस जाके मैंने सब देखा तो तरह तरह के यहाँ पे जैसे इनकी कंपनी का जो पुत्री सर है, उनकी कंपनी का जो नाम है द मेकर, द नाम में ही आप देखोगे द मेकर, मतलब वो सब कुछ कर रहे हैं। और वो किसके लिए कर रहे हैं तो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, और इसकी वजह से उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव रखा है एग्जीबिशन का। और एग्जीबिशन में जैसे मैं गई और मैंने देखा कि हर तरह के डेवलपर्स में यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट है, जैसे काम वेन्यू है, वेल विशर्स है, ट्राई सिटी है और बहुत सारे हैं। और उन्होंने हर एक नागरिक का, जैसे हर एक का एक ड्रीम होता है कि हमारा, मैं एक लेडी होने के नाते कि एक ड्रीम हाउस होना चाहिए, वो लेडी का एक ड्रीम होता है कि मेरा घर, और मेरा घर कैसे होना चाहिए वो अपने ख्यालों में रहती है। और यहाँ पे आने के बाद मेरे ख्याल, मुझे लगता है कि उनका वो ड्रीम पूरा होने वाला है, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए, फिर वो लो कैटेगरी हो या हाई कैटेगरी हो, लग्जूरियस के लिए, कमर्शियल के लिए, उन्हें तो तरह तरह के यहाँ पे एग्जीबिशन डेवलपर्स के थ्रू रखे हुए हैं। इवन उन्होंने एक ऐसा भी प्रोविज़न किया है कि जहाँ पे लोगों को नॉर्मली प्रॉब्लम होता है कि बैंक्स में जाते हैं तो बहुत सारी प्रोसीजर होती है, तो उन्होंने लोन की भी प्रोसीजर रखी है, जिनको लोन लेना है वो वहाँ पे जा सकते हैं और उनको वो गाइडलाइंस मिलेगी। अभी यहाँ पे जो लो कैटेगरी मैंने देखा है कि 9 लाख से लेके 13 लाख को लेके इवन 30,000 एफोर्डेबल हाउस है, और 1 करोड़ तक के हाउस है, जिनकी जैसी जिनकी हैसियत। और नवी मुंबई यहाँ ये एरिया ऐसा है इनऑर्बिट कि मेरे ख्याल से वॉकिंग पब्लिक होती है, सैटरडे संडे बहुत अच्छा दिन है, वीकेंड है, लोग आएंगे, शॉपिंग करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे उनकी जो ड्रीम है, उनको जो चाहिए, जिस दे विल मूव अराउंड और दे विल सी कि व्हाट इज़ देयर नीड एंड वो फुलफिल करेंगे। और हमारी नवी मुंबई, हर एक चाहता है कि नवी मुंबई में अपना घर हो, और वो क्यों? क्योंकि नवी मुंबई एक प्लांट सिटी है, ग्रीनरी है, सब तरह की जो प्रोविजंस होनी चाहिए वो आप नवी मुंबई में देखेंगे। तो हर एक का ड्रीम होता है, और मेरे ख्याल से ये इनिशिएटिव अच्छा है कि लोगों का ड्रीम पूरा हो जाएगा। सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो घर दे रहे हैं, कि जो लोगों की नीड्स है, जैसी उनको जो चाहिए, जो हिसाब से और जो क्वालिटी चाहिए वो हिसाब से उन्होंने वो पूरी करना ज़रूरी है। और लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली यहाँ फुलफिल होंगे। और मैं लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ ग्रैब इट। यहाँ पे आइए और देखिए, जो आपको चाहिए अपना सपना ज़रूर पूरा होगा। और मैं ऑल द बेस्ट देती हूँ, जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक देती हूँ, और मैं पृथ्वी सर को भी बोलती हूँ, द मेकर जो उनकी कंपनी है, कि ऐसे और ऐसे एग्जीबिशंस बहुत होने चाहिए हमारी नवी मुंबई में, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा डेफिनेटली। ब्यूरो जर्नलिस्ट सुमित रेनो के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट। नवी मुंबई आवाज़ को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरण और लोनावला की ताज़ातरीन खबरें।